सब्सक्राइब कीजिए आवर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक और पीसी बिल्ड का वीडियो लेके आ चुके हैं और दोस्तों आज हम जो पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट पीसी है और चीपेस्ट होने के बावजूद इसके अंदर आप विंडोज 10 को इस्तेमाल कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो पीसी आज हम बिल्ड करने जा रहे हैं इसके अंदर आप मान लीजिए आपका दुकान है, आप एक बिलिंग सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं या फिर आप घर के अंदर आप मान लीजिए कि आपको YouTube देखना है, आपको छोटा सा काम करना है या फिर मान लीजिए कि आप जो ऑफिस का काम करते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडी भी करना चाहते हैं तो वो भी आप इस पीसी के अंदर कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो पीसी आज हम रेडी करने जा रहे हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ सकता है। आज का ये जो पीसी बिल्ड होने जा रहा है ये सबसे अमेजिंग वीडियो में से एक होने जा रहा है क्योंकि आज तक हमने इतना चीपेस्ट पीसी कभी नहीं बिल्ड किया। ये हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट ऐसा वीडियो है कि 4000 के अंदर हम एक पूरा पीसी बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का जो स्पॉन्सर है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो स्पॉन्सर है वो है TrexPlus.com और दोस्तों इसी वेबसाइट के अंदर आज हम जो पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं वो संभव हो पाया ओनली ऑन TrexPlus.com की वजह से। और हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट के अंदर आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर के एक्सेसरीज, लैपटॉप के एक्सेसरीज, आपको इस वेबसाइट के अंदर कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, एसएमपीएस और स्पीकर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे कस्टम पीसी बिल्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो आप यहाँ पे अपने लिए खुद कस्टम पीसी बिल्ड कर पाएंगे और यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज ही जाके चेकआउट कीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और हाँ दोस्तों, अभी तो इनका ऐप भी आ गया है, ऐप का जो लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का ये जो पीसी बिल्ड वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं उसके अंदर हम यूज करने जा रहे हैं ज़ेब्रोनिक्स का मैग्नेट कैबिनेट। और दोस्तों इस कैबिनेट का खास बात यह है कि इसके ऊपर आपको पावर बटन, एक रीसेट बटन, दो आपको इंडिकेटर मिलता है और दो आपको USB 2.0 का पोर्ट और ऑडियो जैक और हेडफोन जैक का भी पोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों इसके सामने आपको यहाँ पे एक DVD राइडर का भी पोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है और अंदर से पूरा ब्लैक कोटिंग किया गया है ताकि आपको करंट ना लगे। बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है और ये जो कैबिनेट है इस कैबिनेट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके ऐसा कैबिनेट परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों आज का जो हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया है, हमारे पास पहले से पड़ा हुआ दो साटा केबल था, हम इन साटा केबल को यूज करने वाले हैं इस पीसी बिल्ड के अंदर। और हमारे पास पहले से एक 120GB का SSD था, एक 1TB का हार्ड डिस्क था, ये मेरा पुराना वाला हार्ड डिस्क है, इसको ही मैं यूज़ करूँगा। और दोस्तों हमारे पास तो पहले से ही आई बॉल का एक SMPS पड़ा हुआ है तो इसी को ही हम इस्तेमाल कर लेंगे इसी बिल्ड के अंदर। और जो हम न्यू जो पार्ट्स यूज़ करने जा रहे हैं वो है जो प्रोसेसर का फ़ैन है मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इसके साथ ज़ेब्रोनिक्स का 775 वाला प्रोसेसर का फ़ैन। और इसी के साथ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ LG A775 का Pentium Dual Core प्रोसेसर जो 3 GHz के आसपास आपको स्पीड मिल जाएगा। और इसके साथ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ मदरबोर्ड ज़ेब्रोनिक्स का G41D2S और यह भी LG A775 का है। इसके अंदर हम 4GB का रैम लगा सकते हैं, 2GB करके, मैं तो इसके अंदर 2GB का ही रैम डालने जा रहा हूँ। और दोस्तों रैम में इस बिल्ड के अंदर यूज़ करने जा रहा हूँ मिंट कंपनी का रैम। और दोस्तों ये जो रैम है बहुत ही बढ़िया रैम है और इसके साथ आपको 2 साल का वारंटी मिल रहा है। ये रैम आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ओनली ऑन TrexPlus.com में आपको ये रैम मिलेगा। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया रैम है, आप अगर कंप्यूटर में लगाओगे तो आपका कंप्यूटर मक्खन की तरह चलेगा। इन सभी को अभी हम असेंबल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मदरबोर्ड है उसके अंदर जो ये रैम है, जो प्रोसेसर है और जो ये फैन है इसको अभी हम लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द हम ये जो काम है इसको करना शुरू करते हैं।
तो दोस्तों ये रहा, हमने तो हमारे सामने सभी जो पार्ट्स है इनको रख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मदरबोर्ड के बॉक्स से मदरबोर्ड को निकालेंगे और निकालने के बाद जैसे कि हमने कहा जितने भी पार्ट्स है वो सभी इसके अंदर लगा देंगे। तो दोस्तों मदरबोर्ड के साथ हमें मिलता है एक साटा केबल और एक आयो शील्ड मिल जाता है, हमें ड्राइवर डिस्क भी मिलता है इसके साथ और कुछ यूज़र मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन और आखिर में हमारा चमचमाता हुआ मदरबोर्ड। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द हम मदरबोर्ड को ये जो पैकिंग है इस पैकिंग के अंदर से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा मदरबोर्ड और अभी हम दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले प्रोसेसर इंस्टॉल करेंगे। तो प्रोसेसर यहाँ पे लगता है, तो दोस्तों ये रहा प्रोसेसर, अभी हम इस प्रोसेसर को इसके अंदर लगाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने तो प्रोसेसर को लगा दिया है, अभी हम ये जो फैन है इसको इसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमको चाहिए एक थर्मल पेस्ट की, तो ये थर्मल पेस्ट मैंने traceplus.com से लिया है, आप भी यहाँ से ले सकते हो। तो मैंने ये इसको ढक्कन को खोला और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हीट सिंक की जेल डालूंगा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही डालना होता है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने तो इसके ऊपर हीट सिंक जेल थोड़ा सा अमाउंट में डाल दिया है और अभी हम ये जो फैन है इसको ओपन करेंगे और लगाएंगे मदरबोर्ड के अंदर। तो ये रहा दोस्तों, हमने तो मदरबोर्ड को एकदम टोटली रेडी कर दिया है और अभी हम इसके अंदर रैम इंस्टॉल करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा तो मदरबोर्ड एकदम रेडी हो चुका है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे कैबिनेट की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा कैबिनेट और दोस्तों कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड को लगाने से पहले आपको कैबिनेट के अंदर जो इस साइड का ये ढक्कन है और इस साइड भी ये जो ढक्कन है, इन दोनों ढक्कन को पहले खोलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द हम इन दोनों ढक्कनों को खोल लेते हैं। ये रहा दोस्तों, हमने तो ये जो कैबिनेट है इनके सभी ढक्कनों को खोल लिया है और अभी हमें इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड को लगाना है। लेकिन दोस्तों मदरबोर्ड को लगाने से पहले हमें ये जो स्क्रू मिले हैं उनको सबसे पहले कैबिनेट के अंदर लगाना है, फिर जाके हम मदरबोर्ड को इसके अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। और मदरबोर्ड को लगाने से पहले हमें ये जो आयो शील्ड है उसको भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इन सभी की जो काम है इनको आप अभी तो देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में। लीजिए दोस्तों, हमने तो इसके अंदर कैबिनेट भी लगा दिया है और अभी जो नेक्स्ट काम है वो है इसके अंदर ये जो हमारा 1 TB का हार्ड डिस्क है ये लगाना बाकी है और इसके साथ हमें ये जो SSD है इनको भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए जल्द से जल्द इन कामों को भी फटक से शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने तो इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है और SSD है दोनों डाल दिया है, हम करेंगे इन सभी जो वायर से इनका कनेक्शन। और दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं कि कैसे कनेक्शन किया जाता है तो मैंने इनका भी वीडियो बना के रखा हुआ है, वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और बहुत ही आराम से आप सीख पाओगे कि कौन सा वायर कहाँ पे जाता है मदरबोर्ड के अंदर और कौन सा आपका जो वायर आपके जो हार्ड डिस्क है जो SSD है कहाँ पे जाता है, सब कुछ मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है, तो आप जरूर से उस वीडियो को देखने ना भूले। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने तो हमारा पूरा PC एकदम रेडी कर लिया है, इसके अंदर हमने सब कुछ लगा के एकदम फुल फंक्शनल PC बना दिया है और अभी हमें इसके अंदर दोनों साइड का जो ढक्कन है उनको लगाना पड़ेगा और दोनों साइड का जो ढक्कन है उनको लगाने के बाद हमारा PC एकदम रेडी हो जाएगा फॉर्मेट करने के लिए और इसको फॉर्मेट करके हम यूज़ भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द ये जो काम है इसको करना शुरू करते हैं।
तो ये लीजिए दोस्तों, हमने तो पूरा काम कंप्लीट करके हमारा पीसी एकदम तैयार कर लिया है और अभी हम इसको पावर लगाकर फॉर्मेट करके पीसी को ऑन कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के ये जो पीसी बिल्ड वीडियो आपने देखा ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए आज के इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, TrixPlus.com को जरूर से विजिट कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे ही पीसी बिल्ड करना चाहता है तो जरूर से हेल्प कीजिए अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर करके, और उनके साथ भी TrixPlus.com शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उनको ये भी बताना मत भूलिएगा कि वो यहाँ पे आके कस्टम पीसी बिल्ड तैयार कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी का भी मजा उठा पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर से प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारा ये जो चैनल है एवा टेक्नोलॉजी, इसको सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हम जब भी एक और न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आज के ये वीडियो यही भी खत्म करते हैं। मेरा नाम है शोरा और अभी तक आप देख रहे थे एवा टेक्नोलॉजी का वीडियो। ये वीडियो यही भी खत्म करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।